गाइस, अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइस, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि ये तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। आज के टाइम पे हमारे अर्थ के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मार्स पर कभी जीवन हुआ करता था, और आज भी हमारे इंसानों की बस्ती को बसाने की कोशिशें मार्स पर की जा रही हैं। पर इसके पीछे का एक रीजन और भी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज से 5 बिलियन साल बाद अर्थ पर भी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम से हैबिटेबल जोन थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगा और तब मार्स, यूरोपा और टाइटन रहने लायक बन जाएंगे। और मे बी ये भी हो सकता है कि इंसानों की बस्ती तब मार्स, यूरोपा और टाइटन में शिफ्ट भी हो जाए, और तब मार्स के साइंटिस्ट ये कहा करेंगे कि कभी ऐसा वक्त था जब अर्थ पर जीवन हुआ करता था। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।